दोस्तों आज का वीडियो आपने नहीं देखा तो आपने कुछ नहीं देखा। आज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करना चाहते हो, प्राइवेट बैंक में काम करना चाह रहे हो, प्राइवेट सेक्टर आजकल इंडिया में आप जान रहे हो मशहूर होता जा रहा है और प्राइवेट सेक्टर में ही लाखों करोड़ों अरबों लोग काम कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको जो ज्ञान देने वाला हूँ हो सकता है कि आपको किसी ने नहीं दिया हो। आज का अगर ये वीडियो आपने पूरा देख लिया तो कभी भी आप प्राइवेट सेक्टर में फ्लॉप नहीं होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा नाम है विनोद मिश्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, और ये वीडियो मैं आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से प्राइवेट सेक्टर में कैसे अपने आप को स्टेबल करें, कैसे बड़ी से बड़ी नौकरी पाएं, ये तरीका आज के इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। लोग गलती क्या कर रहे हैं वो आज मैं आपको बताऊंगा, क्या टैलेंट की जरूरत है वो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा दोस्तों कि आप अकेले बैठकर ये सोचें कि आपको किस फील्ड में करियर बनाना है। आप बैंक में बनाना चाहते हो, इंश्योरेंस मतलब बीमा के क्षेत्र में बनाना चाहते हो, आप किताब बेचना चाहते हो, पब्लिकेशन इंडस्ट्री में काम करना चाहते हो, अकाउंटेंट बनना चाहते हो, आप कंप्यूटर चलाना चाहते हो, वेबसाइट बनाना चाहते हो, डिजाइनिंग में जाना चाह रहे हो या किसी भी फील्ड में जाना चाह रहे हो, आप मैनेजर बनना चाह रहे हो, इंजीनियर बनना चाह रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए कि मैं क्या बनना चाह रहा हूं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि नौकरी क्या करें। अब गलती क्या करते हैं लोग, चार दिन उसने अकाउंटेंट की नौकरी कर लिया, चार दिन बाद किसी कारणवश की नौकरी छूट गई, या हो सकता है वो नौकरी से बोर हो गया, या हो सकता है सैलरी बढ़ाने के चक्कर में उसने नौकरी छोड़ी अपनी और अकाउंटेंट की नौकरी छोड़ के वो चला गया सेल्स की नौकरी में। तो दोस्तों यहां मैं आपको फिर बताना चाहूंगा, जैसे ही आप अपनी लाइन को चेंज करते हो उसी समय आप जीरो हो जाते हो, कंपनी के लिए बेकार हो जाते हो एकदम। आज आपने मान लीजिए 5 साल अकाउंटेंट का काम किया और फिर आप जब 6वीं साल जब सेल्स के काम में जाओगे तो वहां आपकी कोई वैल्यू नहीं बचेगी, वहां आप जीरो हो जाओगे। और आप कभी भी ये गलती लाइफ में ना करें, क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग हैं नॉलेज नहीं है उन लोगों को, 12वीं पास किया, ग्रेजुएशन पास किया, उठे दिल्ली बंबई कलकत्ता चेन्नई बेंगलोर चले गए, उठ के कॉल सेंटर में चले गए, कभी किसी फील्ड में चले गए, 4 दिन यहां काम किया, 4 दिन वहां काम किया, उनको खुद ही नहीं पता कि करना क्या है। तो डिसाइड, सबसे पहले जो पॉइंट मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, डिसाइड, डिसीजन लें, और अगर आपको डिसीजन लेना नहीं आता तो आप करियर गाइडेंस लें, जो करियर गाइडेंस देते हैं उनकी मदद लें। जैसे मैं करियर गाइडेंस देता हूं, आप मेरी मदद लें एग्जाम्पल के लिए, या मेरी मदद ना लें किसी और की मदद लें, लेकिन करियर गाइडेंस लें कि सर किस फील्ड में जाऊं, पहले तो ये चीज बताइए। और फील्ड में जाने के बाद में भी एक अलग चीज आती है, पहली चीज तो आपको ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में जाएं, और दूसरा पॉइंट ये डिसाइड करना है कि कौन सी नौकरी में करूंगा। बात आपको समझ में आ रही होगी, पहले तो ये डिसाइड करना है कि किस फील्ड में काम करना है, दूसरा पॉइंट आपको ये डिसाइड करना है कि किस प्रकार की नौकरी में करूंगा। मान लीजिए आप बैंक में काम करना चाहते हो, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि आप बैंक में नौकरी करना चाह रहे हो, और आपने पूरी जिंदगी टीचर बनने में निकाल दिया, और आप क्या बनना चाह रहे थे, बैंक में नौकरी करना चाहते थे। अब 5 साल के बाद जब आप टीचर टीचरिंग करके 5 साल के बाद आपने टीचिंग की नौकरी छोड़ा और आप चले गए बैंक में, तो आप खुद डिसाइड किया आप जीरो हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, बेकार हो गए ना आप, तो आपने टीचिंग गलत किया। भले ही आपको कम पैसे की नौकरी मिले, 8,000, 10,000, 15,000 जो भी मिलता है, आप बैंक में नौकरी कीजिए। बैंक में या जिस फील्ड में भी आपने जो सोचा है कि भाई मेरे को मैनेजर बनना है, तो डायरेक्ट तो आपको हो सकता है मैनेजर कोई बनाएगा नहीं, लेकिन सबसे पहले आपने क्या किया कि आपको बैंक में जाना था, आपने बैंक लाइन की छोटी नौकरी पकड़ लिया। जैसे हो सकता है आप सेल्स गाइस बन गए, हो सकता है आप कैशियर बन गए, या कोई और नौकरी आपने बैंक की पकड़ लिया। तो पहला फायदा क्या हुआ कि आपको अपनी लाइन मिल गया। अब आपको अपनी लाइन मिल गया जो आपकी ड्रीम कंपनी थी, जिस लाइन में आप करियर बनाना चाहते थे, तो आपका काम करने मन लगेगा, क्योंकि आप बैंक में नौकरी पाना चाह रहे हो, बैंक में भविष्य बनाना चाह रहे हो, बैंक में आपकी छोटी नौकरी लग गया। चलो पहला टारगेट पूरा हो गया। अब आप चाहते थे क्या कि भाई मेरे को तो बनना है बैंक मैनेजर। साल भर आपने काम किया, 2 साल काम किया,
आपका प्रमोशन हो सकता है। प्रमोशन नहीं हुआ तो आपने एक साल काम किया, दो साल काम किया, आपने नौकरी स्विच कर दिया। आज के प्राइवेट कंपनी आप देखते हो, एक नौकरी छोड़ा, दूसरी पकड़ा, दूसरी छोड़ के तीसरी पकड़ा, तीसरी पकड़ा चौथी छोड़ा। नौकरी छोड़ना बुरी बात नहीं, लेकिन आप अपनी लाइन में रहें। जैसे आपने एक साल दो साल बैंक में काम किया, छोटी नौकरी थी आपकी, आपने बड़ी नौकरी पाने के चक्कर में या पैसा बढ़ाने के चक्कर में आपने नौकरी स्विच कर लिया, दूसरी कंपनी में चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बैंक में चले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थी तो बैंक। तो आपका जो लाइन है वो क्या रहेगी, सेम। और इस कंपनी मान लो आप 15,000 रुपये महीने कमाते हो तो उसमें जाके आपको 20 मिल जाएगी, क्योंकि कंपनी में ऐसा ही होता है, जैसे आप नौकरी स्विच करते हो तो थोड़ा पैसा बढ़ के आपको नौकरी मिल जाती है। तो ये आपके लिए क्या हो गया, प्लस पॉइंट हो गया। आपने लायन तो वही रखा। और ये आप लोग ध्यान रखना इस वीडियो के माध्यम से, मैं जो आपको बताना जा रहा हूं कि आप अपनी लायन एक रखें कि भाई मेरे को बैंक में काम करना तो बैंक में ही बनाऊंगा मैं करियर, या इंश्योरेंस में बनाना तो इंश्योरेंस में बनाऊंगा, टीचर में बनाना तो टीचर ही बनाऊंगा। आप खुद सोचिए, आप खुद सोचिए कि मान लीजिए एक व्यक्ति 4 दिन तक अपना क्रिकेट में करियर बना रहा था, वो चाह रहा था कि मैं अपना क्रिकेट खेलूंगा और सचिन तेंदुलकर जो हमारे इंडिया के महान क्रिकेटर हैं वैसा क्रिकेटर बनूंगा, और उसने महीने दो महीने क्रिकेट की प्रैक्टिस कर लिया, 4 दिन बाद वो बोर हो गया, फिर उसने डिसाइड किया यार मैं तो माइकल जैक्सन जैसा डांसर बनूंगा। अब वो महीने दो महीने बाद फिर डांसर बनने की प्रैक्टिस करता है। तो आप खुद सोचिए वो कहीं का रहेगा, ऐसा व्यक्ति लाइफ में कुछ नहीं कर पाता, ना तो वो नौकरी कर पाएगा, ना बिजनेस कर पाएगा, ना क्रिकेटर बन पाएगा, ना डांसर बन पाएगा, ना सिंगर बन पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले डिसाइड करना है किस क्षेत्र में करियर बनाना है, कौन सी नौकरी करना है, और उस नौकरी को पाने के लिए आप मेहनत करते हो तो उस नौकरी के लिए क्या लर्निंग जरूरी है, ये भी इंपॉर्टेंट रखता है, क्या लर्निंग जरूरी है। और लास्ट में एक गुरु मंत्र के साथ मैं वीडियो को एंड करूंगा। गुरु मंत्र ये है कि प्राइवेट कंपनी में ये डिसाइड नहीं होता है कि भाई आप बीए पास हो, बीकॉम पास हो, बीएससी करके, ये कोई मैटर नहीं। प्राइवेट कंपनी में जो मांगा जा रहा है वो भाई साहब एक ही चीज़ मांगी जा रही है, एक तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप बढ़िया इंग्लिश में बोल सको और ईमेल वगैरह लिख सको, लेटर वगैरह बना सको, ये सब आना चाहिए। दूसरा जरूरत है एक्सेल, आपको कंपनी में जाके कोई कहेगा कि भाई कंप्यूटर पर काम करो तो कंप्यूटर पर क्या काम करोगे यार, काम करने के लिए एक्सेल तो चलाना ही पड़ेगा। तो ये दो गुरु मंत्र मैं आपको बता रहा हूं, पहला इंग्लिश और दूसरा आपका एक्सेल। अगर आपको ये आता है, आप मैनेजर, सीनियर मैनेजर, क्लस्टर मैनेजर, जोनल मैनेजर और उससे ही बड़ी पोस्ट है, वो सब मिल जाएगी आपको। जिस फील्ड में आपने स्टार्टिंग से काम किया, एक्सपीरियंस आपको मिलता जाता है, नॉलेज आपको मिलती जाती है, बड़ी से बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, इसकी आप चिंता ना करें। तो आज का ये वीडियो दोस्तों मैंने सिर्फ इसलिए बताया आप लोग के लिए कि आप लोग अपना जो माइंड है उसको डिस्ट्रैक्ट ना करें, उसको भटकाए ना। भाई कभी आप ये काम करोगे, कभी आप वो काम करोगे, कभी आप ये काम करोगे, कभी वो काम करोगे, बेकार हो जाएगी, बिल्कुल कचरा हो जाएगी जिंदगी आपकी, कचरा रद्दी समझते हो वैसी जिंदगी हो जाएगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो में मेरा फोन नंबर भी दे रखा है दोस्तों, जब भी आपको मेरी जरूरत पड़े आप करियर गाइडेंस मुझसे ले सकते हो, और मैं बैंकिंग ट्रेनर हूँ, आपको बैंकिंग की सही जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से देता रहूँगा। धन्यवाद।